करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, खुद सॉल्व करो, तभी जाकर कंपटीशन निकाल पाओगे। एक दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से नहीं होगा यार, हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना होगा। चलो, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। अगर कोई न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिस पे चार्ज तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो मोशन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पास अगर मोशन होगा तभी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा मेरे भाई। तो अगर ये थर्मल, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ के आए हैं 3/2 K और टी बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट के इक्वल होती है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड है चपान लीनियर मोमेंटम पी, तो यह चपान लीनियर मोमेंटम पी एम बी, और यह चपान इस एम बी को लिख सकते हैं 2 times काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर रूट, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन है तो एच अपान 2 times m, और काइनेटिक एनर्जी 3/2 अगर मैं के टी अंडर रूट रख दूँ तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो एच अपान 3 times m के टी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी इस समय न्यूट्रॉन की होगी। वेयर के इज द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और टी किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो वो टेम्परेचर तो बताया नहीं गया, टी के टर्म में ही डेटा रखना है। तो एक काम करते हैं, सारा डेटा यहाँ रख देते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आता है वो 1.3, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ रखो 1.67 × 10⁻²⁷ kg होता है, और एच प्लॉन्क्स कॉन्स्टेंट 6.63 × 10⁻³⁴, ये और ये जो है, और बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट के की वैल्यू रखो तो 1.38 × 10⁻²³। तो ये सारा डेटा ले जाके यहाँ रख दो और सब कैलकुलेट कर लोगे तो जो है यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा सब रख दो ऊपर, तो यहाँ से सब रख के कैलकुलेट कर लेना 6.63 × 10⁻³⁴, और नीचे अंडर रूट में रख लेना 3 times मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²⁷, और के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻²⁷, और टी वैसे ही रहेगा टेम्परेचर टी। तो फाइनली ये कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाता है 30.8 × 10⁻⁰ मीटर में आएगा अंडर रूट टी, मतलब ये आ जाएगा 30.8 angstrom और अंडर रूट टी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का डी ऑप्शन, इसे मैच कर लेना, ये सारा कैलकुलेशन कर लेना। चलो, यहाँ से कहता है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा प्रोटॉन ऑफ सेम एनर्जी। अगर एक प्रोटॉन है हम लोग के पास बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन है जिनकी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ द फोटोन, जिनकी एनर्जी सेम है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर एनर्जी सेम है तो हम उस में डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, तो उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमें रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम पी एम बी लिखूँ, और अगर इसको एनर्जी के टर्म में लिखूँ तो 2 times m, वेयर e काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट लैम्डा, दिस इज द लैम्डा एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कुछ वेलोसिटी पे है। अब इसको मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊं, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा सकता हूं और इसको मैं फोटॉन्स के लिए भी लगा सकता हूं, क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन फोटोन के लिए भी लगेगा और इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगेगा। चलो, तो यहाँ से अगर मैं ये वाली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए लगाता हूँ तो एच अपान मास और 2 times और एनर्जी अदर, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अंडर रूट। तो प्रोपोर्शनलिटी करना तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि एनर्जी सेम है तो एनर्जी इक्वेट करनी पड़ेगी, तो एनर्जी को इधर लाते हैं फ्यूचर में, तो ये आ जाएगा एनर्जी ई इज इक्वल टू एच अपान 2 m लैम्डा ई का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ऐसे ही हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिए, क्लियर है। तो लैम्डा ई का स्क्वायर कर दिए और उधर स्क्वायर कर दिए, तो ये अब आ जाओ फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू, और एच न्यू अपन सी अपन लैम्डा, यहाँ से
डायरेक्ट फोटोन की जो वेव लेंथ आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट फोटोन की वेव लेंथ आ जाएगी, तो फोटोन की जो वेव लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी एस सी अपॉन, या नहीं तो हमें इक्वेट करना ना, तो इसी को इक्वेशन नंबर टू बोल दो। तो अब ये फोटॉन्स के लिए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यहाँ से फोटॉन की वेवलेंथ, तो एच सी अपॉन लैम्बडा पी दैट मस्ट बी इक्वल टू एच अपॉन टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्बडा ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, तो लैम्बडा ऑफ द फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, मतलब कुल मिला के हमारे पास सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो बड़े आसान से। नेक्स्ट कहता है, ये देखो, ये लाइट सोर्स प्लेस ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल।